गुड मॉर्निंग, आज की हमारी क्लास है बीएड सेकेंड ईयर के लिए और जो हमारा विषय है वो है ज्ञान तथा पाठ्यक्रम। ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा प्रकरण था वो है ज्ञान के निर्माण एवं संचार में ज्ञाता तथा ज्ञात की भूमिका। संचार में ज्ञाता तथा ज्ञात की भूमिका। मैंने पिछली क्लास में आपको जो भी ज्ञान के निर्माण एवं संचार में ज्ञाता तथा ज्ञात की भूमिका होती है कि एक ज्ञाता यहाँ पर शिक्षक है और ज्ञात यहाँ पर टीचर के स्टूडेंट का काम करता है, तो वो चीजें हमने देख ली थी। जो बेसिक था वो देख लिया था कि जो ज्ञान होता है वो किस प्रकार से एक व्यक्ति को प्राप्त होता है और जिस व्यक्ति को भी प्राप्त होता है वो उस विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान का एक कहे तो एक व्यक्तित्व बन जाता है और वो लोगों का मार्गदर्शन करता है। ज्ञाता के पास में ज्ञान किसी भी विषय वस्तु के रूप में हो सकता है, वो किसी पर्टिकुलर विषय के लिए हो सकता है, किसी कौशलात्मक ज्ञान के अंतर्गत हो सकता है ना। तो इस प्रकार से चीजें अलग अलग होती है, लेकिन उन चीजों को बताने वाला उस विषय वस्तु से संबंधित चीजों का ज्ञान रखने वाला ज्ञाता कहलाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो ज्ञान का निर्माण से अंतर्गत अगर हम चीजें देखेंगे तो वो है हमारे विद्यालय के अंतर्गत ही आएगी। विद्यालय के अंतर्गत जो ज्ञान आता है वो हमारी शिक्षा से संबंधित होता है और जो ज्ञान जो देता है वो ज्ञाता होता है जो कि शिक्षक का कार्य करता है हमारे विद्यालय के अंतर्गत, और ज्ञान जो चीजें प्राप्त करता है ज्ञान को प्राप्त करता है वो शिक्षार्थी कहलाता है। तो ये जो छोटा सा बेसिक हमने क्लियर कर लिया था, आज हम इसके इम्पोर्टेंट रोल देखेंगे कि ज्ञान का ज्ञान की भूमिका क्या होती है और कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होती है जिसके अंतर्गत ये दोनों जने मिलकर कार्य करते हैं। उसमें हम पहला देखेंगे कि संज्ञानात्मक ज्ञान का निर्माण। संज्ञानात्मक ज्ञान का निर्माण, संज्ञानात्मक ज्ञान का निर्माण, कोई भी विषय वस्तु बच्चे को समझ में नहीं आती है या फिर किसी भी चीज का उसको ज्ञान नहीं है, कोई भी संज्ञान होता है उसका किसी भी विषय वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं होता है बच्चे को, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो शिक्षक होगा वो उसको ज्ञान देने की भूमिका अदा करेगा और ज्ञाता बनेगा। जो शिक्षक होता है वो बच्चे को सारी की सारी चीजों अनुभव कराता है, बताता है कि भाई एक जो प्राथमिक विद्यालय होता है जब बच्चा नया नया विद्यालय जाता है तब उसको किसी भी चीज का कुछ पता नहीं चलता, तो तब उसको विद्यालय तब शिक्षक बताता है कि ये पेन है या फिर ये चौक है, ये डस्टर है, ये टेबल है, ये चेयर है, तुमको इसमें बैठना है, इसमें लिखना है, ये तुम्हारी नोटबुक है, ये तुम्हारी पाठ्य पुस्तक है, तब बच्चे को पता चलता है कि हाँ उसको धीरे धीरे स्मरण होता है चीजें उसके साथ में फिर क्लियर होती जाती है। तो ये एक जो शिक्षक होता है वो उसने ज्ञान दिया है बच्चे को, जब बच्चा प्राइमरी चीजों पर प्राथमिक चीजों पर ही सीखेगा तभी जाकर तो वो जो जब उसका स्तर जब ऊंचा उठेगा जब उच्च स्तर पर जाएगा तब उसके लिए सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। जब उसको एक बार जब शिक्षक सारी की सारी चीजों से ज्ञान करवा देगा, सारी की संज्ञानात्मक जो भी वस्तु होगी सबके प्रति ज्ञान दे देगा, तब विद्यार्थी के लिए आसान हो जाएगा और शिक्षक के लिए भी आसान हो जाएगा क्योंकि उसको आगे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए संज्ञानात्मक ज्ञान में यहाँ पर दोनों भूमिका निभाते हैं, ज्ञान प्राप्त करता है शिक्षार्थी, ज्ञान देता है शिक्षक इनके बारे में विषय वस्तु के बारे में जो भी बच्चे को नहीं पता होता उसके बारे में। आज हम जो भी पढ़ेंगे केवल केवल इन दोनों के ऊपर ही है, शिक्षक और शिक्षार्थी के ऊपर, क्योंकि शिक्षक ज्ञान देगा और शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करेगा। दूसरा है अवबोधात्मक ज्ञान का निर्माण।
अब बोलो तुम किसी भी विषय वस्तु के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी शिक्षार्थी रखता है, पूरी 100% मैं नहीं कर सकती लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जानकारी शिक्षक को शिक्षार्थी को रहती ही है। उसके ऊपर पूर्ण ज्ञान देना, उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कराना शिक्षक का कार्य होता है। शिक्षक तो छोटी मोटी जो चीजें शिक्षार्थी को पता है उसके अंदर उसको ज्ञान देता है और उन चीजों का विकास करता है ताकि वह अपने मानसिक रूप का अच्छे से विकास कर सके, शारीरिक रूप का विकास कर सके और साथ ही साथ में अपने सर्वांगीण विकास का विकास कर सके। तो इस प्रकार से अवबोधात्मक ज्ञान इस प्रकार से कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो जो चीजें होती है किसी भी विषय वस्तु के बारे में चीजें होती है वो जानकारी तो रखता है लेकिन उसको चीजें इतनी क्लियर नहीं होती। क्या होता है कि जब छोटी क्लास में होते हैं ना, जब हम प्राथमिक स्तर पर होते हैं तब हमें नॉर्मल सी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन जब हम ऊंचे स्तर पर जाते हैं तो वो नॉर्मल सी चीजों के अंदर जो डिटेल होती है ना वो हमें बताई जाती है। तो हमें सपोज करो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा कि हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, बच्चों को पता है कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर का जो नेतृत्व करने वाला था मानसिंह था, ठीक है, उन लोगों ने किया था। अब ये प्राथमिक स्तर में बच्चों को पता है लेकिन जैसे बच्चा ऊंचे स्तर पर जाएगा तब उनके डिटेल भी आएगी कि भाई कब हुआ था, किस कारण की वजह से हुआ था, युद्ध की घटनाएं क्या थी, इसके क्या परिणाम निकले, ये सारी की सारी चीजें आएंगी। तो बच्चों को पता तो है कि भाई ये इन दो व्यक्तियों के बीच में युद्ध हुआ था और इस वो ऐसा युद्ध हुआ था, तो ये अवबोध उसको पहले से ही है। फिर शिक्षक उसकी मदद करेगा उस चीजों को और जानने में, उसको डिटेल बताएगा, उसको उस विषय से संबंधित सारी की सारी चीजें समझाएगा, उसको चीजें समझ में आ जाएगी और वो फिर अपना शिक्षक और शिक्षार्थी वाला एक जो तालमेल होता है वो यहाँ पर पूरा अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब थर्ड है अनुप्रयोगात्मक ज्ञान का निर्माण। हमारे पता है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही कर सकता है। यहाँ पर हम किसी भी तरह का हमारे तो
अच्छा डांस कर सकते हैं, हम अच्छा गाना गा सकते हैं, है ना, अच्छी सी एक्टिंग कर सकते हैं, हम ड्राइंग बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई भी अच्छा दौड़ कर सकता है, कोई खेल में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर बहुत तरीके के कौशल होते हैं और हम उनमें अच्छे होते हैं, लेकिन हम पूर्ण तरीके से 100% तभी अपना दे सकते हैं और तभी हम बन सकते हैं जब हमको उस हमारे हुनर को एक पहचान देने वाला एक शिक्षक मिलता है। वो उसके ज्ञान रूपी भंडार से हमें हमें प्रकाशित करता है, हमारे अंदर जो भी हुनर छुपा हुआ होता है थोड़ा बहुत भी सही उसको बाहर निकालता है और हमें आगे की आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हमेशा करता रहता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा रोल निभाता है एक शिक्षक ज्ञाता के रूप में और शिक्षार्थी ज्ञान के रूप में चीजें ग्रहण करता है। फिर लास्ट है अभी उच्चतर ज्ञान का निर्माण। ज्ञान तो आएगा